नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सच में बड़ी मजाकिया होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको कैमरे में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे नमूने से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए वीडियो को शुरू करें। आओ भाई, शादी की इतनी खुशी कि इस दूल्हे से सही से अपने पजामे का नाड़ा भी नहीं बांधा गया। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। मतलब दूल्हे राजा जब मंडप के नीचे पहुंचे तब वहां सात फेरों के लिए खड़े होते ही जनाब का पैजामा खिसक गया, जिसे देखकर हर कोई हंसने लगा। अब जरा इन सस्ते बाहुबली से मिले जो अपने गर्लफ्रेंड के सामने बाहुबली स्टाइल में नाले के बीच में पुल की तरह लेट जाते हैं। पर असली कॉमेडी तो तब होती है जब इनकी गर्लफ्रेंड इनके ऊपर से निकलती है। ये बड़ा सच में यार, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। ये लाउंडा एक दिन पक्का वीडियोग्राफर बनेगा। मतलब यार हद कर दी इसने, वो वरना इस तरह से जमीन पर गिरते पड़ते खुलाटे लगाते हुए वीडियो कौन बनाता है भला। खैर ठीक है, जब सामने इतनी सारी बंदियां एक साथ नाच रही हो तब सब कुछ वाजिब होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्या बोला तूने, नवंबर, अक्टूबर, भाई साहब किस दुनिया से आया था ये बच्चा। हद हो गई, इसे तो मंथ्स के नाम भी अच्छे से नहीं आते। आप ही सुन लो, जब इससे महीनों के नाम बताने को कहा गया तब इसने ऐसे गलत नाम बताए कि उन्हें सुनकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। यही होता है जब इंसान किचन में होशियार बनने की कोशिश करता है। अब या तो खाना बना लो या फिर मजाक मस्ती कर लो। इस लड़के ने किचन में खाना बनाते वक्त मजाक मस्ती करने की कोशिश की थी। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था। क्योंकि स्टाइल के चक्कर में इसका नूडल का पैकेट गलत तरफ से खुल गया और सारी नूडल जमीन पर फैल गई। इस ट्रक ड्राइवर की हरकतें देखकर भले ही आपको हंसी आ रही हो, पर यहां ड्राइविंग के दौरान आप कभी ऐसा कुछ ट्राई ना करना, वरना इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह से चलते ट्रक से बाहर जाते अगर गलती से भी किसी पुलिस वाले की नजर इस पर पड़ गई ना, तब ये पक्का निपट गया होगा। हाँ जी, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम तिलक नगर, ये इस बैटरी माई हटे। गजब टोपी बाज इंसान है यार इस कार का मालिक। तो जनाब से मर्सिडीज नहीं खरीदी जा रही तो उन्होंने लग्जरी कार खरीदने का अपना सपना पूरा करने के लिए अपनी मारुति सुजुकी की कार पर ही मर्सिडीज का लोगो लगा दिया। ज्यादा नशा करने का यही नतीजा होता है। देख लो, ये आदमी इतना नशा किए हुए है कि इसे तालाब और नाली में भी फर्क समझ नहीं आ रहा। तभी तो यार ये सीधा भागता हुआ आता है और नाली में जंप मार देता है और नहाने लगता है। ऐसे नमूने सच में भारत में ही होते हैं। इस बंदे को शायद बाइक चलानी नहीं आती थी, पर लगता है इसको चुनावी बाइक रैली में किसी ने जबरदस्ती बाइक थमा दी और एक दूसरा आदमी इसकी बाइक के पीछे बैठ गया। तभी तो जब रैली शुरू हुई तो इसने ऐसी बाइक चलाई कि ये उसके पीछे बैठा आदमी दोनों जमीन पर गिर पड़े। वाह बेटे वाह, मौज करती, इसको तो अवार्ड दिया जाना चाहिए। क्या दिमाग लगा है लड़के ने सच में। यानी पंखे की हवा कमरे में यहाँ वहाँ जाने से रोकने के लिए इसने तो पंखे में चादर फिट कर ली, जिससे सारी हवा इसी को लगेगी। आहा, क्या सुकून की नींद ले रहा है। एन भाई साहब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ना जाने कहां खोए थे ये, कि इन्हें ये भी होश नहीं रहा कि भगोने में नूडल्स डालनी है, मोबाइल नहीं। कैसे पागल मदहोश लोग होते हैं दुनिया में। अब कोसते फिर रहे होंगे उसको जिसने इन्हें कॉल लगाया था। वाह चिचा, तो सच में बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। मतलब बाढ़ के दौरान ऐसे कौन करता है भाई। लेकिन चिचा तो फिर चिचा है ना, या तो बाढ़ में अपनी एंजॉयमेंट खोजेंगे। लो जी, बन गई टंकी की नाव और चिचा निकले बोटिंग पर। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि कैसे आखिर वो टंकी फटा। अक्सर न्यूज रिपोर्टर पब्लिक का मजे लेते हैं, पर ये आदमी सच में अलग ही लेवल का बकलोल था। आप ही देख लो, जब रिपोर्टर ने इससे पूछा कि भाई साहब टंकी कैसे फटी, तो सुनो इन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया। सुल्तान जी, वो टंकी कैसे फटा? क्या बात कर रहे भैया, टंकी कैसे फटा क्या?
सभी यहाँ पे था, हमसे आके पूछा कि भैया क्या मैं फट लूं, मैंने कहा फट लो और वो फट गया। इन झाड़ू वाली आंटी का तो स्वैग ही अलग है। सच में जहाँ एक तरफ दुनिया पैरों से चलकर झाड़ू लगाती है, तो वहीं दूसरे तरफ ये आंटी दो नहीं बल्कि 10 कदम आके चलकर होवरबोर्ड से झाड़ू लगा रही है। खैर, ये इंडिया है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। वाह भाई वाह, कितना लाजवाब डांस है। लेकिन लगता है कि इन मोहतरमा ने शादी में बारातियों की दारू चुरा कर पी ली थी। शायद तभी तो इनके मजाकिया डांस को रोकने के लिए कई लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। इन चचा के साथ तो गजब की कॉमेडी हो गई। मानना पड़ेगा ये तो बेईमानी पर उतर आए थे, पर जब इंसान पागल हो तब वो अपना पागलपन दिखा ही देता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इतने करीब से भी ये सारी बॉटल्स को गिरा नहीं पाए। पूरी इज्जत धुलवा दी सच्ची में। लगता है मोहतरमा कई दिनों से भूखी थी। शायद तभी तो वो जब इन्हें शादी में अपने सामने आइसक्रीम रखी हुई दिखी, तब इन्होंने यहाँ वहाँ देखकर जल्दी से आइसक्रीम को चाट लिया। कितनी पेटू लड़की है यार। इन मोहतरमा के साथ भी बड़ा भद्दा मजाक हो गया। बेचारी शादी में बड़े मजे से हाथ से खाना खा रही थी कि तभी वीडियोग्राफर इनके करीब आया और इनकी वीडियो बनाने लगा। फिर क्या था, मोहतरमा ने शालीनता दिखाई और समय की नजाकत को समझते हुए चम्मच से खाना सही समझा। इन महिलाओं को किसने सलाह दी थी कि एक साथ ऐसे लकड़ी के गट्ठे पर चढ़कर नहर पार करें? यार एक एक करके भी तो निकला जा सकता था ना। लेकिन इन्हें थोड़ी ना समझ थी, शायद तभी तो ये लोग एक साथ नहर पार करने लगे, जिसके बाद वही हुआ जिसका अंदाजा था, क्योंकि लकड़ी का गट्ठा इन सभी के वजन से टूट गया और ये सीधा पानी में जा गिरा, जिससे इनके नए कपड़े और मेकअप का कबाड़ा हो गया। दोस्तों, अपनी शादी में बिना चड्डी के कौन जाता है भला? ये दूल्हा सच में अलग ही लेवल का ठहर गया भाई, जिसने जूतियां तो पहनी है पर छड़ी पहनने का इनके पास समय नहीं है। तभी तो देखिए कि ऐसे एक पल में ही इनकी सारी ठरक निकल गई, क्योंकि जब इसने अपनी दुल्हन को गोद में उठाया तब पीछे से इसका लुंगी ऊपर हो गया, और क्योंकि दूल्हे राजा शादी की जल्दबाजी में चड्डी पहनना भूल गए थे, इसलिए लुंगी ऊपर होते ही इनका पिछवाड़ा लोगों ने देख लिया। मेरा तो हंस हंसकर पेट ही दुख गया सच में भाई। घड़ी बावरी लड़की लग रही है मन्ने, तो इस तरह की एक्साइटमेंट कौन दिखाता है यार, कि उसमें अपना ही नुकसान कर दो। खैर, ये इतनी छोटी है कि इसे फिलहाल समझ नहीं है। वैसे इसके माता पिता को शॉक देखकर मुझे तो लग रहा है कि ये बाउल तोड़ने पर पक्का फिटी होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेचारा गधा सोच रहा होगा कि आखिर ये गधा गाड़ी खींच क्यों रहा है। उसे कौन बताएगा कि इस गाड़ी को चलाने वाला इतना गजब का आदमी है कि उसने इसके टायर में ब्रेक इंस्टॉल कर दी है, जिसकी मदद से ये उसे रोक देता है। ये गार आपके दिमाग को पागल कर देगी, और इसके असली समझने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि किसी बंदे ने ऑफिस में कार घुसा दी, लेकिन ये असल में कार नहीं बल्कि ऑफिस का केबिन है, जिसमें कर्मचारी बैठकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।